नमस्कार, मैं विमल और आप देख रहे यूनिवर्सल न्यूज। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में ब्रांडेड कंपनी के नकली माल बेचे जाने की सूचना पर कंपनी कर्मचारी और पुलिस ने मिलकर छापेमारी की। छापेमारी दो दुकानों पर की गई, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए के लैक्मे कंपनी के प्रोडक्ट बरामद किए। कंपनी ने नकली माल बेच रहे दुकानदारों के ऊपर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया। देखिए रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित नंदलाल कटरा में वर कॉस्मेटिक की दुकान पर लैक्मे कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। यह छापेमारी ग्राहक की शिकायत के आधार पर की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह शिकायत दी थी कि लैक्मे जैसे ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट माल इन कॉस्मेटिक की दुकानों पर बेचे जा रहे। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि यहां से नकली माल बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कंपनी की टीम सोनभद्र पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से दुकान पर छापेमारी की। इसमें मेड इन चाइना सामानों को लैक्मे की डुप्लीकेसी कर बेचा जा रहा था। यह प्रोडक्ट बेहद सस्ते बावजूद इसके लैक्मे के प्राइस रेट पर बेचा जा रहा है। हालांकि कंपनी अधिकारियों ने पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि लैक्मे के कर्मचारी अधिकारी जनपद में आए थे और इनको सूचना मिली थी कि इनके ब्रांड के आधार पर नकली सामान बेचा जा रहा है। कॉस्मेटिक चौक जी, आशीष पाठक की कंप्लेन किए थे और हम वहां गए और नकली प्रोडक्ट पकड़े कंपनी का, लेकनी के काजल और काफी मात्रा में प्रोडक्ट पकड़ा गया, लाखों से ज्यादा का प्रोडक्ट। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से मदद ली और छापेमारी की। इसमें दो दुकानों पर छापेमारी की गई, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें कल हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ एम्प्लॉय ने हम लोगों से संपर्क किया था और उनकी ये शिकायत थी कि यहाँ पे कुछ जो रिटेलर्स हैं वो इनका फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। उन्होंने पुलिस की सहायता की डिमांड करी थी, तो कल शाम को पुलिस सपोर्ट उनको दिया गया और ये रेड करी गई शॉप पे और दो शॉप पे जो है इनके फेक प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान कंपनी के पाए गए हैं।